हेलो फ्रेंड्स, आई निकहत परवीन खान वेलकम यू ऑल टू कंपटीशन कम्युनिटी। आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही बर्निंग पॉलिटिकल इशू पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो है NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। आप में से जो भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, whether you are watching it for informational purpose, whether you are watching it for exam purpose, study purpose, whatsoever, आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये टर्म पिछले कुछ वक्त से काफ़ी बार सुना होगा, बिकॉज ये बहुत समय से रेगुलर न्यूज़ में बना हुआ है। बहुत सारी पॉलिटिकल बयानबाजियाँ, बहुत सारे राजनीतिक स्टेटमेंट्स इसके ऊपर, बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है कि सही है गलत है। तो इस वजह से मन में बहुत सारी क्वेरीज निकल कर आती हैं कि भाई ये मुद्दा है क्या आखिर। इन्फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है, जनरल नॉलेज के लिए भी, और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एसेज आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप कोई और पर्पस से देख रहे हैं तो ग्रुप डिस्कशंस में ये टॉपिक आ सकता है, डिबेट्स में ये टॉपिक आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम पर फोकस टॉपिक नहीं है, ये इन जनरल टॉपिक है जो हर किसी को कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगा। बहुत सारी क्वेरीज होंगी मन में कि भई NRC है क्या, मुद्दा क्या है, तो आज उन्हीं सारी क्वेरीज़ को हम यहाँ पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत बवाल मचा हुआ इंडिया में, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इशू क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू NRC। सो इस टॉपिक पे हमारे सामने जो सबसे पहला सवाल आ सकता है वो ये है दैट व्हाट इज़ NRC। आप जब NRC की डिटेल्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि NRC है क्या। यू फर्स्ट ट्राई टू सर्च कि NRC क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स पेन डाउन करे हैं और आप इसको, अगर आपको शॉर्ट में डेफिनेशंस लिखनी है NRC की, तो आप उसको, इन पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। समझने के लिए भी ये पॉइंट्स काफ़ी हैं। मैं एक बार रीड आउट करती हूँ। देखिए, आपको जितने भी सोर्सेज मिलेंगे ना, जहाँ पर आपको टेक्स्ट मिलेगा कि NRC क्या है, उन सब का निचोड़ है ये, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि NRC क्या। मैं रीड आउट करती हूँ, फिर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इट इज़ अ रजिस्टर मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटेनिंग नेम्स एंड फ्यू रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स। क्या समझ में आया? ये एक तरह का रजिस्टर है, ठीक है, एक तरह का रिकॉर्ड है आप कह सकते हैं, जो कौन बना रहा है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया और मेंटेन किया गया एक तरह का रजिस्टर है, एक तरह का रिकॉर्ड है, जिसमें क्या है, नाम है और कुछ बेसिक जानकारियां हैं भारतीय नागरिकों की, ताकि जो जेन्युइन भारतीय नागरिक हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके। एक रिकॉर्ड है जिसमें भारतीय नागरिकों के नाम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। गॉट इट? बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई और डिटेल की ज़रूरत नहीं। आगे की चीज़ें देखें, ये जो पर्टिकुलर रजिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और वो नॉर्मली जो डिप्टी कमिश्नर होता है उस एरिया का और जो SDO होता है उसके ऑफिसेज में ये रजिस्टर को रखा जाता है। यानी अथॉरिटी कौन है जिनकी निगरानी रजिस्टर रहता है, जिनके ऑफिसेज में रजिस्टर रहता है, वो है डिप्टी कमिश्नर और SDO, ठीक। उसके बाद जो अगली चीज़ आपको जाननी है, असम इज़ द ओनली स्टेट विच हैज़ एन NRC। वजह क्या इसकी वजह थी, इसमें हम बाद में आएंगे। आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि ये एक्चुअली मनाया ही गया था सन 1951 की जनगणना के आधार पर, सेंसस ऑफ 1951 जो होता है, हमारा जो डेकेडल सेंसस होता है, तो 1951 का जो सेंसस था उसके आधार पर असम में ये वाला रजिस्टर बनाया गया था। सो असम इज़ द ओनली स्टेट, दूसरे स्टेट विल ला रहे हैं ऐसा कुछ सिमिलर बनाने के लिए, पर याद रहे असम में ये बनाया गया था, वजह आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। तो NRC 1951 जो बना था असम में, उसमें 80 लाख लोगों को इंक्लूड किया गया था एज सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, सिटीजन्स ऑफ कंट्री, एरिया के सिटीजन्स नहीं रहते, उस कंट्री, उस एरिया में रहने वाले इंडियन सिटीजन्स 80 लाख उसमें इंक्लूड किए गए थे। तो याद रखें असम में बनाया गया था, 1951 की जनगणना, दश की जनगणना के अनुसार बनाया गया था, डिप्टी कमिश्नर और SDO के ऑफिस में रखा जाता है। शुरुआत में उसमें 80 लाख पीपल थे, और ये जो एक लाइन है ना, ये पूरा इशू, पूरा मुद्दा ही इसी पर है। ये जो लाइन लिखा मैंने, टू वीड आउट इलीगल माइग्रेशन, अवैध जो प्रवास हुआ है उस एरिया में, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को चेक करने के लिए ही
ये बनाया गया है और अब अपडेट हो रहा है, ये चीज़ में हम बाद में आएंगे। फिलहाल आप ये समझें कि पड़ोसी देशों से असम वाले एरिया में बहुत ज़्यादा अवैध रूप से प्रवास हो रहा था, इलीगल माइग्रेशन हो रहा था, और इस वजह से 1951 में ये रजिस्टर बनाया गया ताकि जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स और फॉरेनर्स रेफ्यूजीज़ इनको बाइफरकेट किया जा सके। वहाँ पे कौन लोग बाहर से घुसपैठिए हैं, कौन लीगल माइग्रेंट्स हैं, कौन इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको डिफ्रेंशिएट किया जाना चाहिए। इस वजह से 1951 में ये बनाया गया था, ठीक है। सो हम एक ये छोटा सा पार्ट मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये जो चीज़ है दैट विल लाइक सेटिस्फाई अ क्वेंच ऑफ द डेफिनेशन एनआरसी क्या है, क्या है, कब बनाया गया, पहले एनआरसी कहाँ रखा जाता है, पर्पस क्या था, क्यों बनाया गया, इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए, करेक्ट। सो अगली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि एनआरसी मुद्दा क्यों बना हुआ है, क्यों पिछले कुछ वक्त से ये रेगुलर न्यूज़ में बना है, क्यों पॉलिटिकल बयानबाजियाँ उसमें चल रही हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट इशू, इस पर क्यों बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, वो चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या है वो तो हमने समझ लिया, अब क्यों ये इशू है ये समझते हैं। तो देखिए मैंने लिखा एनआरसी इन आसाम इज़ गेटिंग अपडेटेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिंस 2015। हालांकि डायरेक्शन 2013 में दिया गया था बट एक्चुअल जो अपडेशन है 2015 में हुआ। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, ये असम के अंदर एनआरसी काफ़ी वक्त से मुद्दा बना हुआ था, उसकी वजह है। दरअसल क्या है, इलीगल माइग्रेशन की वजह से उस एरिया पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स थे, इंडिजिनियस पीपल थे, वो माइनॉरिटी में सीमित हो गए थे। जो घुसपैठिए थे अवैध रूप से, जो प्रवास करके वहाँ पर आए थे, वो सारे सिटीजनशिप के राइट्स एंड बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे थे, और इस वजह से काफ़ी वक्त से, काफ़ी डेकेड से मैं कह सकती हूँ, उस पर हम डिटेल जाएंगे। देखिए अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। काफ़ी समय से असम में एजिटेशन चल रहे थे इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए, इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर निकालने के लिए। तो इस वजह से कई पिटीशंस फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आप कोई ऐसा अपडेशन करिए 1951 के रजिस्टर में जिससे इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और उन्हें वहां से बाहर निकाला जा सके। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए 2013 में कि अपडेशन किया जाए। एक्चुअल अपडेशन जो है 2015 में स्टार्ट हुआ। तो इशू यहां से स्टार्ट हुआ एक्चुअली कि एनआरसी जो 1951 का था जिसे अब तक अपडेट नहीं किया गया था, उसका अपडेशन आसाम में स्टार्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर, जो कि एक्चुअली स्टार्ट हुआ बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद 2015 में। ऑर्डर्स 2013 में आ चुके थे। अब वो जो अपडेशन स्टार्ट हुआ उसके पहले तक की जो कहानी है वो असम के अंदर एनआरसी मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट करती है। अब ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है वो नेशनल बर्निंग इशू कब से बना, इन डेट्स से। एक्चुअली क्या हुआ, जब अपडेशन स्टार्ट हुआ तो एनआरसी में जो भी रजिस्टर उनके अंदर सिटीजन्स के नाम पब्लिश होने थे उसकी 2-3 डेट्स आईं। कहने का मतलब एनआरसी का एक पार्ट पब्लिकेशन हुआ 31 दिसंबर 2017 को, यानी कुछ पब्लिकेशन हुआ कि भी कौन सिटीजन्स हैं कौन नहीं हैं। फिर कंप्लीट जो ड्राफ्ट है वो 30 जुलाई 2018 को पब्लिश हुआ। तो ये वो डेट है जहाँ से असम के अंदर का ये लोकल मुद्दा एक नेशनल मुद्दा बन गया। ये वो डेट है जिससे असम एजिटेशन नेशनल एजिटेशन में कन्वर्ट हो गया। 30 जुलाई 2018 में जब एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश हुआ तो वहाँ रहने वाले 40 लाख नागरिकों की नागरिकता पर ख़तरा मंडराने लगा। कहने का मतलब 40 लाख वहाँ के जो रहवासी, जो डोमिसाइल्ड हैं वहाँ के, जो पहले अर्स्टवाइल डोमिसाइल्ड यानी जिनको वहाँ के नागरिकता के सभी बेनिफिट्स मिल रहे थे, उन 40 लाख लोगों को फाइनल जो ड्राफ्ट पब्लिश हुआ, या मैं कहूँ कंप्लीट पब्लिकेशन जो हुआ एक पार्ट का, उसमें जगह नहीं मिली। कहने का क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब निकलता है, एनआरसी में अगर वो 40 लाख लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया मतलब वो अब इंडिया के नागरिक नहीं हैं। अरे बात समझ में, वो 40 लाख लोगों को इंक्लूड किया गया, एक्सक्लूड किया गया, और ये 2.89 करोड़ लोग जो वहाँ पे थे उनको इंक्लूड किया गया। यहाँ से ये जो चीज़ है पॉलिटिकल मुद्दा बनना शुरू हो गई, फॉर और अगेंस्ट दोनों में, एक्चुअली ज़्यादा अगेंस्ट में। वजह बहुत सारी थी, वजह ये थी कि इसका जो पूरा प्रोसीजर हुआ ना अपडेट का, हम सब चीज़ पढ़ेंगे क्या प्रोसीजर था, किस तरीके से अपडेट की गई, क्या रिक्वायरमेंट थी एनआरसी रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाने की, क्या प्रोसेस था, हम सब में आएंगे। आप फिलहाल ये समझें कि कई लोग जो इस पर सवाल उठा रहे हैं जिस वजह से एक बर्निंग इशू बना हुआ है, वो है इसका प्रोसेस।
इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाए आपने, लोग कहाँ से लाएंगे, आपके पास के रिकॉर्ड जेन्युइन है कि नहीं, क्लैरिकल एरर जो होता है, ये सारी चीज़ों के तहत इसका प्रोसीजर जो है वो क्वेश्चन में आ गया। पहली चीज़, इस वजह से कई पार्टीज़ जो लोकल और नेशनल पार्टीज़ हैं उनके नेताओं ने कहा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि भाई ऐसा हुआ है कि इन 40 लाख लोगों में होंगे कुछ इलीगल माइग्रेंट्स, पर कई लीगल माइग्रेंट्स और कई जेन्युइन सिटीजन्स जो हैं वहाँ के उनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया। असम के जो जेन्युइन सिटीजन्स हैं, कई लोगों ने आरोप लगाया कि हम यहाँ के हैं लेकिन हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाए, हम नहीं ला पाए, इस वजह से हमें भी एक्सक्लूड कर दिया गया, ऐसे कई लोगों का कहना है। तो एक प्रोसीजर पर सवाल उठ रहे, ठीक है कि इतने रिकॉर्ड्स जो हैं क्लरिकल एरर के तहत, हिस्टोरिकल आप कह सकते इतने दशकों के रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया गया, उस पर एक क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। और दूसरा ये है कि गलत तरीके से कुछ लोगों को इंक्लूड कर लिया जा रहा है, गलत तरीके से कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया। तो जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दिया गया तो ये असम के अंदर की एजिटेशन एक नेशनल एजिटेशन बन गई और पॉलिटिकल डिबेट्स इस पर स्टार्ट हो गई। गॉट इट? 40 लाख लोगों के एक्सक्लूड करे जाने के बाद जो NRC के कोऑर्डिनेटर थे प्रतीक हजेला, हम उन पर भी आएंगे बाद में, तो जो प्रतीक हजेला थे उन्होंने कहा कि भाई ये 40 लाख लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनसे जुड़े जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको। 40 लाख लोगों के पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बनाया गया है, हम हर वर्ड को समझेंगे बाद में ना, हम जब इसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि फॉरेन ट्रिब्यूनल क्या है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल करके एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, आप उसमें जाकर अपने नाम को रजिस्टर करें, वहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि 40 लाख लोगों को NRC से एक्सक्लूड कर दिया तो आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि आप फॉरेनर ट्रिब्यूनल पर जाकर रजिस्टर करें, वहाँ पर वो लोग वेरीफाई करेंगे, आप जो भी नेसेसरी हो सकता है रिक्वायरमेंट उनकी और कम होगी या और भी रिक्वायरमेंट्स होंगी। कहने का मतलब NRC में रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, हो सकता है फॉरेन ट्रिब्यूनल और दूसरी तरीके से भी इन्वेस्टिगेट करेगा, भाई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो दूसरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा। तो उन्होंने कहा कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल फिर इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई आप जो दावा कर रहे हो, इफ़ यू आर क्लेमिंग टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया रिसाइडिंग इन आसाम, वो सही है कि नहीं। ठीक है, वो एक जुडिशियल प्रोसेस चलेगा जो फॉरेन ट्रिब्यूनल करेगा उस जुडिशियल प्रोसेस को, और उसके बाद फिर एक फाइनल लिस्ट हम और जारी करने वाले हैं। इस लिस्ट के जारी करे जाने के बाद प्रतीक हजेला ने कहा कि फॉरेन ट्रिब्यूनल भी जाके आप रजिस्टर करिए, उसके बाद उस केस दर्ज हो जाने के बाद फॉरेन ट्रिब्यूनल आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए काम करेगा, एक जुडिशियल प्रोसेस चलेगा, उसके बाद एक फाइनल लिस्ट जारी होगी, उसमें देखिए। ठीक है, तो एक्चुअली नेशनल एजिटेशन ये इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद से बन गया। उसके बाद हाल फिलहाल में ही 31 अगस्त 2019 को इसका फाइनल ड्राफ्ट आया, फाइनल ड्राफ्ट। तो उनमें से जितने लोगों ने रजिस्टर किया होगा उनमें से कई लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि हम वहाँ के रहवासी हैं, या मैं कहूँ डोमिसाइल्ड हैं, डिफरेंस है ना, रेसिडेंट और डोमिसाइल में फ़र्क है, उस पर हम बाद में आएंगे। तो अब देखिए, वो वहाँ के रहने वाले इंडियन सिटीजन से ये कई लोग प्रूफ कर दिए, तो अब जो है क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद 19 लाख लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, 19 लाख लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। 3.11 करोड़ लोग जो वहाँ के हैं, दे सक्सीडेड इन क्लेमिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत की नागरिकता उनके पास है, ये प्रूफ करने में सफल हो गए, तो वो NRC में फाइनल जगह उन्होंने बना ली। पर 19 लाख लोग सारे प्रोसीजर के बाद भी एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, 19 लाख लोग एक्सक्लूड किए गए हैं, लेकिन अब भी ये पॉलिटिकल बहस का मुद्दा बन गया है, और मैं कहूँ बढ़ गया है ये मुद्दा, क्योंकि अब उतने ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहे हैं कि ये लिस्ट में और कुछ लोग कम हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों ही तरह के लोग हैं, कई ऐसे लोग अभी भी कहने वाले हैं कि 19 लाख एक्सक्लूडेड पीपल में कई जेन्युइन लोग को एक्सक्लूड किया गया। लोग कह रहे हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है, हो भी सकती है। तो आप ये देखिए, कई जेन्युइन लोगों को एक्सक्लूड किया गया, कई ऐसे लोग हैं अभी भी ये बोला जा रहा है कि वो जेन्युइन नहीं है और उसको इंक्लूड किया गया। असल में क्या है ना कि जो पूरा रिपोर्ट, मतलब कह सकते हैं एक तरह का लीगेसी डेटा इन लोगों ने पब्लिश किया था, उस चीज़ पर हम बाद में आएंगे। वो लीगेसी डेटा में क्या था, वो असम के सारे जो इलेक्टोरल रोल्स थे, ने मतदाता सूची थी, उनमें जितने दर्ज नाम थे वो, और 1951 का जो रजिस्टर था उनमें जितने नाम दर्ज थे वो, उन सब के नामों को एक साथ पब्लिश किया गया था, और वो करीब 6.5 लाख पेज का एक डॉक्यूमेंट था। इमेजिन,
इमेजिन कितना बल्की होगा वो। एक लेगेसी डेटा पब्लिश किया गया था पहले एकदम शुरुआत में गवर्नमेंट को कहना कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने के लिए कि भाई पहले तो एक बेस हो हमारे पास कि कौन कौन है। तो एक लेगेसी डेटा पब्लिश किया गया था जिसमें 1951 का NRC में दर्ज नाम भी थे और एक कट ऑफ डेट डिसाइड की गई थी 24 से 25, मतलब 24 की मिडनाइट 24 से 25 मार्च 1971 तक 1971। तो कहीं आपको 25 मार्च लिखा दिखेगा कहीं 24 मार्च, एक्चुअली वे 24 मार्च की रात तक है क्योंकि दूसरे दिन से बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर है वो शुरू हो गया था, तो इसलिए मैंने 24-25 मार्च लिया है। 24 मार्च की रात तक आज़ादी के बाद से 24 मार्च 1971 की रात तक जितने लोगों का नाम हर साल के वहाँ की मतदाता सूची में दर्ज है उतने लोगों के नाम को भी उस लेगेसी डेटा में इंक्लूड किया गया। अब आप सोच सकते हैं कितने सारे नाम होंगे। उन्होंने हर साल का जो डेटा है उसे पब्लिश किया था 1971 24 मार्च तक की रात तक का। सो वो NRC 1951 में जो लोग थे वो तो रहेंगे ही सिटीज़न। 1971 तक के वहाँ के इलेक्टोरल रोड्स के अंदर जितने नाम दर्ज थे वो भी सिटीज़न रहेंगे और ये पूरा लेगेसी डेटा 6.5 लाख पेज का था, तो उस वजह से अभी भी क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि भाई वो जो रिकॉर्ड्स थे वो उसमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वियर टियर के वजह से साफ नहीं है। हालांकि अभी उसे ऑनलाइन भी पब्लिश किया गया है लेकिन अभी भी उसमें उस सॉफ्टवेयर में उसके प्रोसेस में क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं। तो देखिए ये नेशनल एजिटेशन बना पहले एक पार्ट पब्लिकेशन से जिसमें 40 लाख लोगों को एक्सक्लूड किया जाना था, उसके बाद से बहुत ज़्यादा गर्माया मुद्दा, लेकिन उसके बाद जब फाइनल ड्राफ्ट 31 अगस्त 2019 को आया और उसमें 19 लाख लोगों को एक्सक्लूड किया गया उसके बाद भी एजिटेशन शांत नहीं हुई क्योंकि अब भी जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगी, प्रोसीजरल प्रॉब्लम है, क्लरिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये सारे आरोप लगाने वाली कई पार्टियाँ हैं जो इस नेशनल एजिटेशन को सबसाइड नहीं होने दे रही और अब भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। आप इस चीज़ से हमेशा अपडेट रहें जब तक आप एग्जाम्स दे रहे हैं, जब तक ये इशू सबसाइड नहीं हो जाता इस पर जितनी अपडेट्स हैं आप उसे देखेंगे। गॉट इट? तो ये वो इशू है, मैं सबसे पहले आपको ये बताना ही चाह रही थी कि एक्चुअली मुद्दा क्या है जिस पर बहस चल रही है। कई लोगों को मुद्दा ही नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि NRC का मतलब क्या होता है, दूसरा हमने देखा कि ये मुद्दे में क्यों बना हुआ। असल में हुआ ये ना कि कई बड़े बड़े नाम आए जिनको NRC से एक्सक्लूड किया गया। एक एक्स आर्मी मैन, मैं सबके नाम नहीं लूँगी, एक एक्स आर्मी मैन है जिन्होंने देश की सेवा की और उन्हें NRC में इंक्लूड नहीं किया गया। कहने का मतलब यह है कि आपने देश की सेवा की, आप रिटायर हुए एज एन आर्मी मैन और अब आपको कहा जा रहा है कि आप भारत के नागरिक नहीं। कहीं कुछ जगह लिखा भी हुआ, देखिए इट इज़ स्टिल टू बी वेरीफाइड, जब न्यूज़ आती है तो उसमें बहुत सारे क्रॉस वेरिफिकेशन होते हैं। कहीं लिखा होगा कि भाई फॉर्मर एक प्रेसिडेंट थी उनकी फैमिली मेंबर्स, एक फॉर्मर CM थे उनके फैमिली मेंबर्स को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। मतलब कई लोग जो संवैधानिक पद पे थे, एक गरिमामय कई पदों पर थे, उनके या उनके जो संबंधी हैं उनको भी इस रजिस्टर से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो आप सोचिए उन लोगों पर क्या बीतरी होगी। सिर्फ पॉलिटिकल एजिटेशन नहीं है ये, वहाँ पे लोगों में भी बहुत ज़्यादा एजिटेशन है कि 1971 के बाद यदि हम आए, देखो ये जो चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो रही क्या है 1971 वाला मामला, हम उस पर डिटेल में जाएंगे। एक लाइन में कहूँ तो उनका ये कहना है NRC के तहत कि 1971 के बाद जितने लोग बांग्लादेश से या दूसरे देशों से आए हैं असम के अंदर उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, भारतीय नागरिकों को जो बेनिफिट दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर से आप आए हो, इंडिया में कोई राज्य से आए हो, आसाम में आए हो तो ठीक है, बट अगर 1971 के बाद आप दूसरे देश से आए हो आसाम में तो आपकी जो सिटीज़नशिप है वो हटा दी जाएगी, आपको डिपोर्टेशन कैंप में भेज दिया जाएगा। और बांग्लादेश की एक लोकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने यह भी अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है इन लोगों को बांग्लादेश भी डिपोर्ट कर दिया जाए। यहाँ तक के अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि 1971 के बाद से जो लोग यहाँ आए हैं और वो लोग NRC में इंक्लूड नहीं होते हैं तो उन्हें डिपोर्टेशन कैंप में भेजकर अगर वो फाइनली भी नहीं बता पाते अपनी नागरिकता के बारे में कोई क्लेम तो उन्हें वापस बांग्लादेश या कहीं और भेजा जा सकता है। हालाँकि ये मैं जो कह रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वे में, एडमिनिस्ट्रेटिव वे में आज तक अभी गवर्नमेंट ने नहीं कहा है और गवर्नमेंट जो है वो अभी तक रेमेडीज़ बता रही है कि आप पैनिक ना हो,
याद रहे मुद्दा बना हुआ है, कई चीज़ें कही जा रही हैं इस पर, लेकिन मुद्दा बना हुआ है। गवर्नमेंट कह रही है कि अभी पैनिक ना हो, अभी हम और क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, आपको मौका देंगे अपनी नागरिकता साबित करने की, और लेकिन अगर फाइनली ये होता है कि भाई इल्लीगल माइग्रेशन है तो हमको स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे। वो स्ट्रिक्ट कदम क्या होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, आया समझ में कि इशू क्या है एक्चुअली? गॉट इट? ठीक, तो अब इसके बाद इशू समझने के बाद हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि ये इल्लीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम की जड़ें कहाँ से हैं, कब से ये माइग्रेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्या इस पर कोई स्टेप्स लिए गए, क्यों एजिटेशन बना हुआ है, इतना बड़ा इशू क्रिएट होने के लिए जो दशकों तक का जिसका बैकग्राउंड है उसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो माइग्रेंट्स होते हैं जो प्रवास करके आते हैं, तो अप्रवासी होते हैं, कहने का मतलब इमिग्रेटेड पीपल है ना, जो किसी दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं, जो इमिग्रेटेड पीपल होते हैं, वो संविधान के किस प्रावधान के तहत नागरिक कहलाते हैं? वो लोग ओरिजिनली हमारी कंट्री के नहीं है, तो संविधान के किस प्रावधान के तहत भारत के नागरिक कहलाते हैं, कैसे उन्हें नागरिकता मिलती है, पहले हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। फिर माइग्रेंट्स को नागरिक बनाए जाने के बाद असम में प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या उस पर स्टेप्स लिए गए, इतना बड़ा मुद्दा पहुँचा ही क्यों, हम यहाँ तक पहुँचे ही क्यों, ये पूरे बैकग्राउंड को अब हम टटोलने की थोड़ी कोशिश करेंगे। करेक्ट, द नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू से That how migrants get citizenship. मैंने कहा था कि हम सबसे पहले इसकी जड़ों में ये पढ़ना चाहेंगे कि ये जो माइग्रेशन होता है दूसरे देशों से, इन माइग्रेंट्स या प्रवासियों को भारत की नागरिकता कैसे मिलती है। तो इसके संवैधानिक प्रावधानों को हमको थोड़ा देखना है। देखिए, ये बहुत डिटेल में नहीं बता रही मैं, क्योंकि इसके लिए सिटीजनशिप का एक अलग से हम चैप्टर पढ़ेंगे, मेरे एक वीडियो में है भी, आप उसे देख सकते हैं। उसका एक क्रक्स मैं बता रही हूँ जो डायरेक्टली माइग्रेंट्स के सिटीजनशिप मिलने से रिलेटेड है। तो देखिए, आपने सुना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि जो पार्ट टू है, 5 to 11 जो आर्टिकल्स हैं, 5 to 11 के बीच में जो अनुच्छेद हैं भाग दो में, वो पूरे नागरिकता से संबंधित हैं। उन नागरिकता के प्रावधानों में कुछ ऐड ऑन किया गया, कुछ एडिशनल प्रोविजंस ऐड किए गए सन 1955 के नागरिकता एक्ट से, यानी सिटीजनशिप एक्ट से। 1955 में एक नागरिकता अधिनियम आया था, सिटीजनशिप एक्ट आया था, जिसके तहत फिर एक फाइनल ड्राफ्ट बना कि भाई सिटीजनशिप एक्ट के इन इन चीज़ों को यदि कोई सेटिस्फाई करता है तो ही वो भारत के नागरिक के बेनिफिट्स हासिल कर सकता है, यानी भारत में नागरिक बनने के लिए अलोंग विद द प्रोविजंस ऑफ पार्ट टू 1955 के इस एक्ट के तहत आपको इनमें से किसी एक के अधीन आना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि भारत में नागरिकता यदि आपको चाहिए तो या तो यू हैव टू सेटिस्फाई द प्रोविजंस ऑफ पार्ट टू या द प्रोविजंस ऑफ 1955 के जो प्रावधान है, या तो उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा या पार्ट टू को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हम सीधा सिटीजनशिप एक्ट 1955 को देख रहे हैं। वजह यह है कि माइग्रेंट्स को जो सिटीजनशिप मिलती है, यानी जो प्रवासी हैं उनको जो नागरिकता मिलती है, वो इस एक्ट के तहत मिलती है। तो मैं ये एक्ट भी पूरा नहीं बताऊंगी, सिर्फ उसी पॉइंट को बताऊंगी जहां से उन्हें नागरिकता मिलती है। तो देखिए, पर्टिकुलर एक्ट में 4 मेन तरीके बताए गए हैं जिस तरीके से किसी को भारत की नागरिकता हासिल हो सकती है। पहला है बर्थ, यदि आपका जन्म भारत में हुआ। दूसरा है डिसेंट, यानी अनुवांशिकी, यानी आपके माता पिता का यदि जन्म भारत में हुआ। तीसरा, रजिस्ट्रेशन, अगर आप PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो आप रजिस्टर करके भी भारत की नागरिकता हासिल करते हैं। देखिए, मैं डिटेल नहीं जा रही हूँ, हम सिटीजनशिप एक्ट अलग से पढ़ेंगे सिटीजनशिप के चैप्टर में। तो या तो आपका जन्म हुआ हो, या तो आपके माता पिता का जन्म हुआ हो, अगर आप PIO हैं तो रजिस्ट्रेशन के तहत आपको नागरिकता मिल सकती है। पर यहाँ जिस चीज़ को मैं फोकस करना चाहती हूँ वो चौथा तरीका है, और वो है प्राकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन या प्राकृतिकरण, माइग्रेंट्स को पर्टिकुलर इस प्रावधान के तहत भारत की नागरिकता मिलती है, जिसमें कुछ चीज़ें पेन डाउन की है, जिसे मैं पहले पढ़ देती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो फिर हम इसे समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट इसमें, पहला तरीका जिससे आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, देखिए नेचुरलाइजेशन का कुल मिला के मतलब है कि जो आपके माइग्रेंट्स हैं या फॉरेन रेजिडेंट्स हैं, मतलब पीपल जिनका कोई भी लेना देना भारत से नहीं है, आप किसी और देश से आए हो, ना बर्थ हुआ, ना डिसेंट है, ना पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो आप, तो अगर आप टोटली फॉरेनर हो तो आप एक एप्लीकेशन दे करके भारत की नागरिकता हासिल करते हो। ये नेचुरलाइजेशन के तहत आता है।
आप फॉरेनर हो तो एक अप्लाई करो अपने सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए, और आप भारत के नागरिक बन सकते हो, पर कंडीशंस क्या है? तो कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक्चुअली जो चीज़ें मैंने पेन डाउन की हैं वो कंडीशंस हैं अप्लाई करने के लिए अंडर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो पहली चीज़ यह है कि आप अप्लाई तब कर सकते हैं जब आप किसी ऐसे देश से हो जहाँ भारतीयों को नागरिकता से वंचित नहीं रखा जाता। कहने का मतलब, अगर आप कोई ऐसे देश को बिलोंग करते हैं जहाँ इंडियंस को वहाँ के सिटीजनशिप देना मना है, कहने का मतलब है अगर आप इंडियन हैं और आप वहाँ जाकर सिटीजनशिप लेना चाहते हैं और वहाँ पे इंडियंस को सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, और आप उस देश से आए हो जहाँ पे सिटीजनशिप अलाउड नहीं इंडियंस को, तो आपको भी यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, आप अप्लाई नहीं कर सकते। यही पहले पॉइंट में लिखा है, नॉट फ्रॉम अ नेशन वेयर इंडियंस आर डिप्राइव्ड ऑफ सिटीजनशिप। आप उस देश से नहीं होना चाहिए जहाँ पे भारतीयों को नागरिकता नहीं मिल सकती। गॉट इट नॉट? क्या कह रही हूँ मैं? अगर आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसी ऐसे देश के होंगे यदि जहाँ भारतीयों को नागरिकता नहीं मिलती, तो आपको भी नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जानते हैं कि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। कहने का मतलब, यदि आप विदेशी हैं और आपको भारत की नागरिकता चाहिए, तो आप दोनों ही देश के नागरिक नहीं हो सकते। आप जिस देश से आए उस देश के और हमारे देश के दोनों के नागरिक नहीं हो सकते। तो ऐसे में क्या है, आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि भाई जैसे ही मुझे यहाँ पे नागरिकता मिलेगी, मैं अपनी वहाँ की सिटीजनशिप छोड़ दूंगा। यू हैव टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, यू हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग, एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि मैं जिस देश से हूँ वहाँ की नागरिकता छोड़ दूंगा, कि आप ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। अगेन क्लॉजेज आर देयर, एक्सेप्शंस आर देयर, डू रिमेंबर दिस। हम अभी उतनी डिटेल में नहीं जा रहे। अगला जो कंडीशन है, अगर आप उसे गौर करें, नेचुरलाइजेशन के तहत अप्लाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फॉरेनर रजिस्टर करना चाहता है अंडर नेचुरलाइजेशन, तो कम से कम 12 महीने बिफोर एप्लीकेशन उसे भारत में रहना ज़रूरी है। हैव रिसाइडेड फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर अप्लाइंग नेचुरलाइजेशन के तहत, जब वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके अप्लाई करने से इमीडिएटली लगातार 12 महीने पहले वो भारत में रहा हो, तभी वो अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि बाहर से आकर सीधा सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया। रेसिडेंट होना चाहिए इमीडिएटली 12 मंथ्स बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। एक ये कंडीशन, और ये भी चीज़ है कि ऑन एन एग्रीगेट, एक एग्रीगेट में अप्लाई करने से पहले वो 14 साल तक भारत में रहा हो। कई लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि अभी 12 महीने कह रही हूँ, अभी 14 साल। 14 साल एग्रीगेट का मतलब है कि पहले कभी 2 साल रहा हो, फिर वो बाहर चला गया हो, फिर 3 साल रहा हो, फिर 5 साल रहा हो। ऐसे करके भले ही बीच में इरेगुलरिटीज रही हो, लेकिन ऐसा करके क्लब करो तो एग्रीगेट 14 साल रहा हो। 14 साल रहा तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम कर दिया गया 11 ईयर्स। कहने का मतलब ऐसा लिखा जाता है, 11 ईयर्स आउट ऑफ 14 ईयर्स एटलीस्ट, 14 साल में से कम 11 साल तो, है ना, 14 साल उसका टोटल पीरियड होना चाहिए, उनमें से कम 11 साल जो है बिफोर 12 मंथ्स, यानी ये जो अभी आप अप्लाई कर रहे उसके पहले 12 महीने पहले आपको रहना ज़रूरी है, उस 12 महीने से पहले की 11 साल एग्रीगेट में आप अगर यहाँ रहे हों भारत में, तब आप भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू आर एन इमिग्रेंट, इफ़ यू आर अ फॉरेनर, अगर आप आप्रवासी हैं, अगर आप विदेशी हैं और भारत की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं, तो मैं रिपीट करती हूँ, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत जो प्राकृतिकरण का प्रोसेस है नेचुरलाइजेशन का, उनके इन क्लॉजेस को आपको पूरा करना होगा। आप एप्लीकेशन के तहत कर सकते हैं, पर 12 महीने पहले आप इमीडिएटली रहें यहाँ पे तो अप्लाई कर सकते हैं, और टोटल अवधि 14 साल में से कम 11 साल आपने एग्रीगेट अगर यहाँ गुजारे हैं भारत में, रहे हैं अगर आप भारत में, तो अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस को पेन डाउन किया है, सभी ने, यू शुड बी ऑफ गुड कैरेक्टर। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो भारत की अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जिसे संविधान रिकॉग्नाइज करता है, उनमें से किसी न किसी एक भाषा को आपको ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब है, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ ईदर ऑफ द लैंग्वेजेस मेंशनड इन शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक कंडीशन होती है। देखिए, देर आर फ्यू मोर कंडीशंस, पर आपकी जानकारी के लिए ये है, आप किसी ऐसे देश नहीं होना चाहिए जहाँ पे भारत के लोगों को नागरिकता नहीं मिलती। दूसरा, अगर आप भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो नागरिकता मिलने के बाद आप दूसरे देश की नागरिकता छोड़ देंगे, अंडरटेकिंग आपको देनी चाहिए। तीसरी चीज़, अप्लाई करने से जस्ट 12 मंथ पहले लगातार आपको भारत में रहना है, और 14 में से 11 साल एग्रीगेट आपको भारत में यहाँ पे रहना है, और 8वीं अनुसूची जो है उनमें से किसी एक भाषा को आपको ज्ञान होना चाहिए।
ये नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है, ये क्लॉजेज हैं, अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ इनमें से सभी को अगर सेटिस्फाई करते हैं तभी आप, इफ़ यू आर एन इमीग्रेंट, कहने का मतलब अप्रवासी हैं, यहाँ आए हैं, या फिर आप फॉरेनर हैं, तो आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं और नागरिकता के सभी जो बेनिफिट्स हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने एक पार्ट डील किया है अपने पूरे टॉपिक का। कहने का मतलब है ये वीडियो यहाँ पे एंड हो रहा है बट ये टॉपिक यहाँ एंड नहीं होता। आज के इसमें हमने सिर्फ डेफिनेशन देखी छोटे तौर पर, देखो वो मुद्दा भी मैं डिटेल में नहीं गई हूँ, इसलिए नहीं गई हूँ कि अभी आप मुद्दे की गहराई यानी बैकग्राउंड को नहीं समझ हैं, इसलिए मैंने सिर्फ एक जो बर्निंग इशू, जो सुपरफिशियल चीज़ है, उसे मैंने इशू को थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की। ये उन लोगों के लिए खासतौर पे जो थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि क्या है NRC, क्यों मुद्दा बना हुआ है और वो इमिग्रेंट्स की नागरिकता से क्या संबंध है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जहां बहुत डिटेल रहेगी। अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें हम इसका पूरा बैकग्राउंड, इसकी जड़ें खंगालने की कोशिश करेंगे कि भाई ये माइग्रेंट्स आए कहां से, कब कब आए, कब ये प्रॉब्लम बनने लगे, असम के अंदर एजिटेशन कब स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए और उसके बाद से ये NRC का जो अपडेशन वाली बात है कब से शुरू हुई, किसके कहने पर शुरू हुई, कौन कौन इसमें मेन रोल प्ले कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों को हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के सेकेंड वीडियो में डील करेंगे। गॉट इट? सो व्हाट इज़ NRC, व्हाई इज़ इट एन इश्यू एंड द रिलेशन ऑफ इमिग्रेंट्स विथ सिटीजनशिप, ये चीज़ें आज हमने देखी हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई क्वेश्चनिंग है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और एनी अदर एग्जाम और इस टॉपिक को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म नहीं होता, आप मेरा दूसरा वीडियो NRC Part 2 ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।